जी स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स की एमसीक्यूज करवाऊंगी, चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम एंड चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन. इफ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इट इज सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. द एसआई यूनिट ऑफ द टॉर्क इज न्यूटन मीटर. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क. If the torque produces anti-clockwise rotation, it is considered as positive. If the torque produces clockwise rotation, it is considered as negative. Center of gravity. According to the center of gravity, मैं आपको बताऊँ कि different objects की center of gravity different positions पर होती हैं. एग्ज़ाम में जो एम सी क्यूज आएंगे उसमें आपको तीन पोजीशंस को दी जाएंगी, जिसमें से एक पोजीशन जो कि यहाँ लिखी है वो आपने टिक करनी है. जैसे यूनिफॉर्म रॉड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ द रॉड है, और सर्कुलर प्लेट की जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ द प्लेट है. ट्राइंगुलर प्लेट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. लाइक जैसे आपका ये आपका ट्राइंगल है और एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है, दिस वन, ये दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन. ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. सिलेंडर का कहाँ पर है? मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस. In case of satellite, necessary acceleration is produced by gravitational force. 1 radian is equal to 57.3 degree. The value of g, universal gravitational constant, is 6.67 into 10 to the power 11 newton meter square per kilogram square. Law of gravitation was discovered by Newton, Isaac Newton, okay? The value of G was determined by Henry Cavendish. Force, centripetal force, FC, will increase 2 times if the mass of the object moving with the uniform speed in a circle is doubled. According to the Newton's second law, force is directly proportional to mass as well. Agar mass double hoga, to force aapki 2 times ho jayegi. Definitely mass badhega, to force badhegi. Mass kam hoga, to force kam hoga, because directly proportional hai wo. If the speed of the body moving in circular is doubled, the centripetal acceleration becomes 4 times. How it is possible? रटा नहीं मारना है आपने बच्चे, क्योंकि ये एम सी क्यूज बहुत दफ़ा 10 years में पूछा जाता है, तो बच्चे रट के चले जाते हैं. इसकी लॉजिक ये है कि हमें पता है कि जी सेंट्रीपीटल एक्सलोरेशन जो है वो वी स्क्वायर अपॉन आर है. दैट मीन्स स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर. आर इज़ द रेडियस ऑफ द एनी सर्कुलर पाथ. अगर हम अज्यूम करें कि जी रेडियस आपका 1 centimeter है और आपकी स्पीड 1 है, तो आपकी एक्सलोरेशन ऑफ द सेंट्रीपीटल पाथ 1 आ गई. अगर आप इसकी जहाँ जैसे यहाँ कहा हुआ है कि जी आपने इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया, लाइक इसको 2 कर दिया आपने, ठीक है, पहले 1 था, आपने 2 कर दिया, डबल कर दिया, तो अब आप देखें एक्सलोरेशन क्या आती है. तो इस पे स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अपॉन 1, क्योंकि वही 1 centimeter का आपका रेडियस था सर्कुलर पाथ का, तो आपका जो एक्सलोरेशन आया ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सलोरेशन वो 4 आया. दैट मीन 4 times बढ़ गया. वो पहले वो 1 था, जब इसको मैंने डबल किया स्पीड को, तो वो 4 times बढ़ गया. तो ये बेसिकली लॉजिक थी इसके पीछे. The value of g decreases as altitude increases. जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाता है, आप हाइट पे जाते हो ना, आपकी ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशनल जो आपकी कांस्टेंट है वो आपकी कम होती चली जाती है. तो जब आप माउंटेन पे होते हो तो आपका जो वेट होता है वो लेस होता है. क्यों लेस होता है? क्योंकि आपको पता है वेट क्या होता है.
एम जी होता है, आपका बॉडी का मास तो वही रहेगा लेकिन आपका जी जो है वो कम हो जाएगा, आपका जी लेस पे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेट आपका कम शो होगा। ये मैंने आपको एमसीक्यूज जो बताई हैं, ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 की है। इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियोस में आपको अगले चैप्टर्स की भी बताऊंगी। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको तमाम चैप्टर्स की एमसीक्यूज और एग्ज़ाम्स के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। थैंक्स।